ये है जनपल्स ब्रांड का स्मार्ट प्लग प्रो, जो कि वॉइस कंट्रोल और एनर्जी मॉनिटरिंग फीचर के साथ आता है। यानी इस प्लग को यूज करके हम अपने किसी भी अप्लायंस को स्मार्ट बना सकते हैं। यह 16 एम्पेयर का प्लग है, इसीलिए इस प्लग से हम गीजर, इमर्शन रॉड, आयरन या फिर एसी भी चला सकते हैं। इस प्लग को ऑपरेट करने के लिए फोन में एक ऐप इंस्टॉल करनी पड़ती है, जो एंड्रॉयड और एप्पल दोनों के लिए अवेलेबल है। यह प्लग वाईफाई इनेबल्ड है और वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद हम इसको ग्लोबली कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं। बॉक्स के अंदर हमें 16 एम्पेयर का एक प्लग मिलता है, जिसको डायरेक्टली पावर सॉकेट में लगाया जा सकता है। यानी कि सिंपली प्लग करो और प्ले करो। इस पर एक पावर का बटन है जिससे ये ऑन होता है, और सामने की तरफ ब्रांडिंग है जनपल्स की, और जस्ट उसके नीचे एक इंडिकेटर दिया हुआ है। यहाँ पर LED लाइट ब्लिंक करती है। प्लग के अलावा बॉक्स के अंदर एक यूजर मैनुअल भी दिया गया है, जिसकी हेल्प से इसका सेटअप किया जा सकता है, और इसके जितने भी फीचर्स हैं वो सब इसके ऊपर लिखे हुए हैं। तो चलिए पहले हम इसकी ऐप को इंस्टॉल करते हैं। बॉक्स पर एक QR कोड दिया हुआ है, आपको उस QR कोड को स्कैन करना है, और जैसे ही आप उसको स्कैन करेंगे तो आपके सामने डायरेक्टली इनका ऐप ओपन हो जाएगा और इंस्टॉल का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको इंस्टॉल कर लेना है ये ऐप, और उसके बाद आपको अपना फ़ोन नंबर एंटर करके इस ऐप के अंदर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद अब स्मार्ट प्लग को हम लगाते हैं सॉकेट के अंदर। सॉकेट के अंदर लगाने के बाद स्विच ऑन कर लेते हैं, लेकिन अभी भी ये जो प्लग है ये ऑन नहीं हुआ है, क्योंकि पहले इसको मोबाइल ऐप से कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें इसके ऊपर दिए हुए बटन को, ये जो पावर का बटन दिया हुआ है, इसको लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा 5 सेकंड्स के लिए, ताकि हम इसको मोबाइल ऐप से कनेक्ट कर सकें। जब ब्लू लाइट ब्लिंक करने लगे तब मोबाइल ऐप में ऐड डिवाइस करना है और प्लग को सिलेक्ट करके नेक्स्ट करना है। उसके बाद इस प्लग को वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए अपने वाईफाई की डिटेल्स एंटर कीजिए। यह सब करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आप इस डिवाइस का नाम भी रख सकते हैं कोई। जैसे आपने इस प्लग से गीजर को कनेक्ट किया है तो आप गीजर प्लग इस तरह से कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद आपको डन पर क्लिक करना है और जो सेटअप है वो कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए अब इसको टेस्ट करते हैं। स्मार्ट प्लग की टेस्टिंग के लिए मैंने एक आयरन ली है, जो कि हम इस स्मार्ट प्लग से चलाने वाले हैं, और इसको हम ऐप से भी चलाएंगे और वॉइस कमांड से भी चलाएंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये अलेक्सा और गूगल होम से भी काम करता है, तो हम इसको चलाकर देखेंगे वॉइस कमांड से भी। तो आप सब देख सकते हो जो बटन है वो ऑन है, इट मीन्स ये बिल्कुल ऑन है। अब हमें ऐप से इसको ऑन करना है। तो ऐप में यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि या तो हम इसको यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज आप प्लग पे क्लिक करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको मिलता है, और जैसे ही आप टैप टू टर्न ऑन पे क्लिक करते हो तो ये प्लग ऑन हो जाएगा और ये आगे सप्लाई देने लगेगा। तो चलिए करते हैं। तो आप देखिए कि जो डिवाइस है वो ऑन हो चुका है, और हमारा जो आयरन है वो भी ऑन हो चुका है, इंडिकेटर उसके ऊपर आ चुका है। और इसी तरह से हम इसको ऑफ अगर करना चाहें तो यहीं पर हमें दोबारा क्लिक करना होता है, और हमारा जो स्मार्ट प्लग है वो ऑफ हो जाता है। आप देख सकते हैं प्रेस का या फिर आयरन का इंडिकेटर भी बंद हो चुका है। तो ये बहुत ही क्विक काम कर रहा है। दोबारा से करते हैं इसको, ये दोबारा से चालू हो गया, और यहीं पर आपको इसके एनर्जी कंजम्पशन भी दिख जाते हैं। टुडेज कंजम्पशन यहाँ पर शो किए जाते हैं, मंथली कंजम्पशन यहाँ पर शो किए जाते हैं। अगर इसको आप ग्राफ में देखना चाहते हैं पूरी डिटेल में, तो इस तरह से आपको दिखाई जाएगी। तो टुडेज कंजम्पशन, मंथली कंजम्पशन, करंट वोल्टेज और करंट पावर इनपुट क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाती हैं, और डेट वाइज आपको यहाँ पर पूरी डिटेल मिल जाएगी। करंट जो पावर होती है, यानी कि जो चीज़ आप चला रहे हैं वो कितना लोड ले रही है, उसका डाटा आने में कुछ सेकंड्स लगते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर 1275 यानी कि 1000 वॉट से ऊपर का लोड ले रही है ये आयन इस टाइम, और ये जितनी भी पावर कंज्यूम करेगी उसकी डिटेल्स हमें यहाँ पर मिल जाती हैं। तो चलिए इसको बैक कर लेते हैं। तो फिलहाल ये स्मार्ट प्लग ऑन है, और इसी से रिलेटेड आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं। जब ये ऑन होता है तो इसके ऊपर यहाँ पर रेड इंडिकेटर आता है। जब ये ऑन होता है यानी कि इसमें से सप्लाई आगे जा रही होती है, तो यहाँ पर रेड इंडिकेटर आता है। अब जैसे ही मैं इसको टर्न ऑफ कर दूंगा तब ये इंडिकेटर बंद हो जाता है। तो ये इंडिकेटर आपको बताता है कि ये ऑन है या नहीं ऑन है, या इससे आगे सप्लाई जा रही है या नहीं जा रही है। तो ये भी एक पहचान है। अब इसको हम अलेक्सा से चलाकर देखेंगे, क्योंकि ये वॉइस इनेबल्ड स्मार्ट प्लग है। तो उसके लिए आपको आपके फ़ोन में अलेक्सा या फिर गूगल होम का कोई भी ऐप डालना पड़ेगा, और उसमें इस प्लग को रजिस्टर करना पड़ेगा।
इसको कैसे रजिस्टर करना है अलेक्सा पे या फिर गूगल होम में, इसके रिगार्डिंग इसके यूजर मैनुअल में पूरी डिटेल बताई गई है। तो चलिए अब वॉइस कमांड यूज करके देखते हैं। अलेक्सा टर्न ऑन द स्मार्ट प्लग। ओके, तो अलेक्सा ने इसको ओके कर दिया है। तो मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि स्मार्ट प्लग जो है वो ऑन हो चुका है और जो हमारा आयन है वो भी ऑन हो चुका है, इसका जो इंडिकेटर है वो ब्लिंक कर रहा है। तो सिमिलरली अब इसको टर्न ऑफ करके भी देख लेते हैं। अलेक्सा टर्न ऑफ द स्मार्ट प्लग। ओके, तो यहाँ पर देखिए आप वॉइस कमांड बिल्कुल क्विकली काम कर रहा है। टर्न ऑफ हो गया है हमारा स्मार्ट प्लग और जो आयन है उसका इंडिकेटर भी बंद हो गया है और स्मार्ट प्लग का जो इंडिकेटर है वो भी बंद हो गया है। तो मैं दोबारा से एक बार आपको करके दिखा देता हूँ। अलेक्सा टर्न ऑन द स्मार्ट प्लग। ओके, ये देखिए बहुत ही क्विकली ये काम करता है। अलेक्सा टर्न ऑफ द स्मार्ट प्लग। ओके, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसके सारे फीचर्स काम कर रहे हैं और इसका जो एनर्जी मॉनिटरिंग है वो भी आप देख सकते हो, कौन सा डिवाइस आपका या कौन सा अप्लायंस कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, एक पूरे मंथ में आपका एसी कितनी बिजली कंज्यूम कर रहा है, एक दिन में कितनी करता है, ये सारी चीज़ें आप इस स्मार्ट प्लग की हेल्प से अपने फ़ोन के ऊपर ही देख सकते हो। जनपल्स का ये स्मार्ट प्लग आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर मिल जाता है और आपके स्क्रीन के ऊपर एक प्रोमो कोड फ्लैश हो रहा है। अगर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से इस प्लग को खरीदते हो और ये वाला प्रोमो कोड आप अप्लाई करते हो चेकआउट के टाइम पे, तो आपको 12% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिलता है। तो ये स्मार्ट प्लग बहुत ही रिजनेबल और अफोर्डेबल प्राइस पे आपको मिल रहा है, इसको लिया जा सकता है ताकि हम अपने एसी, गीजर, कॉफी मेकर या फिर किसी भी अप्लायंस को स्मार्ट बना सकें और उसको वॉइस कमांड भी कर सकें। इस प्लग को खरीदने के सभी बाइंग ऑप्शंस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं मिलूंगा आपको किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।